वेलकम टू डिवाइन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डिवाइन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में सबका स्वागत है। जैसा कि हमारे लास्ट वीडियो में हमने कविता के शब्दार्थ पढ़े थे, आज हम इसके भावार्थ को जानेंगे। भावार्थ का अर्थ होता है भाव के अर्थ को जानना, कि कविता लिखने के पीछे कवि का क्या भाव है, वो किस भावना से उसने कविता लिखी है, उसके एक्चुअल अर्थ को सही मायनों को समझना ही भावार्थ होता है। तो हमारी कविता है चिर महान। चिर महान इस कविता के जो कवि है वो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत एक बहुत ही विख्यात, बहुत ही फेमस जो है कवित्री है, उनकी एक कविता है चिर महान, जिसमें उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने की प्रार्थना की है कि वो उस ईश्वर को प्राप्त कर सके जो हमेशा रहने वाला है। चलिए देखते हैं। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य गुण और सत्य प्राण, कि जग जीवन, जग यानी दुनिया, जग यानी दुनिया, कि जग जीवन में इस दुनिया में जो है चिर महान, जो सदा रहने वाला है, जो सौंदर्य पूर्ण है और जिसके प्राणों में हमेशा सत्य बसता है, मैं उस ईश्वर को प्राप्त कर सकूं, कि हे ईश्वर मैं उस चिर महान को, उस सदा रहने वाले को प्राप्त कर सकूं जो सौंदर्य से भरा हुआ है और जो हमेशा सत्य के लिए जिया है, या जिसने सत्य, जिसके प्राण जो है सत्य में बसते हैं, मैं उस ईश्वर को प्राप्त कर सकूं। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। नाथ, नाथ का अर्थ ईश्वर। तो हे ईश्वर मैं उसका प्रेमी बनूं, यानी मैं उससे प्यार करूं, उससे उसे पसंद करूं, जिससे मानव हित हो समान, जिसमें मानव हित एक समान हो, यानी जिसमें सभी मानवों का हित हो, मैं उन बातों को, उन चीज़ों को पसंद करूं जिसमें सभी मानवों का, सभी मनुष्यों का हित एक समान हो। जिसके जीवन में मेरे शक्ति छूटे भय संशय अंधभक्ति, के हे ईश्वर मुझे ऐसी चीजों से प्रेम हो जिससे मेरे जीवन में शक्ति उत्पन्न हो, जिससे मुझे शक्ति मिले और मेरे मन से भय संशय और अंधभक्ति। भय का मतलब होता है डर, संशय का मतलब होता है शक, संदेह या डाउट, जिससे मेरे मन से भय और किसी भी तरह का जो शक है वो भी दूर हो जाए और अंधभक्ति से भी मैं बच सकूँ। अंधभक्ति का मतलब होता है इस तरह से किसी पर भरोसा कर लेना कि बिना तर्क के ही हम किसी पर विश्वास कर लें, और अंधभक्ति जो है एक ऐसी बुराई है जिसमें कोई भी व्यक्ति आप पर, आपके विश्वास का गलत फायदा उठा सकता है। इसलिए जो कवि है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर मैं इस सारी बुराइयों से, भय संशय और अंधभक्ति जैसी बुराइयों से बच सकूँ, मेरे मन में, मेरे जीवन में ऐसी शक्ति आ जाए। मैं वह प्रकाश बन सकूँ नाथ, कि हे ईश्वर मैं वो प्रकाश बन सकूँ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, कि जिसमें सभी व्यक्ति एकजुट हो जाए, एक साथ मिल जाए, कि हे ईश्वर मुझे वो शक्ति दीजिए कि मैं वो प्रकाश बन सकूँ जिसके साथ, जिसमें रहकर सब व्यक्ति एक साथ हो जाए, एक साथ प्रेम भाव से रहें। तो स्टूडेंट्स, ये जो है सुमित्रा नंदन पंत की कविता है, जिसे हम अगली वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसको दोबारा से पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपके मन में भी कोई संशय यानी डाउट है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, उसे नोट करके रखिएगा और फिर हमसे उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।